जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि बिहार पुलिस का जॉब जो है वो किस तरह का है। वैसे तो आपको पता है मैं बिहार पुलिस ड्राइवर में हूँ, पर तैयारी अभी आगे जारी है। तैयारी अभी मेरा चल रहा है बिहार SSC का और तैयारी अच्छा से ही चल रहा है, पर बीच में क्या हो रहा है कि ड्यूटी पड़ रहा है ना, तो उतना पढ़ाई में नहीं बन रहा है पढ़ाई, मतलब हम लोग ड्राइवर है। वैसे तो मैं अभी DSP सर के पास हूँ, तो उतना मतलब थाना के अनुसार तो यहाँ पर टाइम मिल जा रहा है। मैंने किसी किसी दिन ज़्यादा परेशानी हो जाता है और किसी दिन नॉर्मल ही रहता है, ज़्यादा मतलब नहीं घूमना पड़ता है। लेकिन पढ़ाई जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है। फिर भी देखिए क्या होता है, आगे की आगे बात है, देखा जाएगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ जो लड़का बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है वो लगे रहिए, क्योंकि जैसे ही ये वाला फाइनल करेगा, ये जो अभी जो फाइनल किया मेरी फाइनल जारी करेगा, उसके एक माह बाद ही अगला बहाली दे सकता है मे भी, क्योंकि सिपाही की ज़रूरी है बिहार में। एक कंटिन्यू चलेगा, एक भी तो जरूर कम से कम और आएगा ही आएगा बिहार पुलिस का। रहा बात ड्राइवरी का, ड्राइवर पोस्ट का, तो वो भी आएगा, ठीक है। अब बिहार पुलिस के देने के बाद आए या फिर उससे पहले आए, लेकिन आएगा। तो तैयारी में आप लगे रहिए। और मैं इस भी चैनल पे मैं ब्लॉग टाइप से ही वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैं कहीं जाऊंगा, छुट्टी लूंगा, तो कहीं दर्शनीय स्थल टूरिस्ट प्लेस पर जाऊंगा, तो वहाँ का भी वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और शेयर भी ज़रूर किया करिए, क्योंकि मैं काफ़ी करीब हूँ 1000 के 1K करा दीजिए इस चैनल को। और 1K कराने के बाद मैं ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगा इस चैनल पर, और पढ़ाई से रिलेटेड भी मैं कैसे मैनेज करता हूँ पढ़ाई को, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। क्योंकि इस विभाग में आने के बाद खुद आप सोचने लगिएगा कि मैं कैसे किसी और विभाग में जाऊँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जॉब क्या है कि आजकल के ज़माना में तो जॉब मिल जाए ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कोई भी जॉब हो अच्छा अच्छा से करिए, पर यहाँ आने के बाद आपको मन में लगेगा ऐसा कि मैं दूसरा जॉब में जाऊँ, उसके लिए आप मेहनत भी करिएगा। तो मैं आपको पहले से ही मैं इन्फॉर्म किए कर दूंगा इस चैनल पे कि कैसे आप तैयारी करें आगे का। ऐसे मैं 67वीं में भी बैठूँगा, 67वीं BPSC में तैयारी उस लेवल का तो हुआ था, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा डाउन हो गया है। तो इसीलिए मैं पूरा फोकस अभी BR SSC पर ही कर दिया हूँ। BPSC के अभी बाद में देखा जाएगा, इसको सोच रहा हूँ क्लियर करके चला जाए आगा, उसके बाद देखा जाएगा। मेरा मकसद है कि ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी जॉब ले लेना है, उसके बाद पढ़ाई से देखा जाएगा सिचुएशन, पढ़ाई छोड़ ही देंगे मे भी, पर देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो जो जॉब है इसको अच्छा से करूँगा मैं, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी चलेगा। तो और जिनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम शायद डेट आ गया है, उसको भी आप अच्छे से तैयारी लगे करिए अच्छे से। NTPC का जिनका भी हो गया है फाइनल में आ गया है नाम, उसको बहुत बहुत बधाई। और NTPC में मैं भी बैठा था लेकिन नहीं बना रिजल्ट। आप लोग सोचिएगा कि जॉब मिलेगी तब काहे बैठा। इस विभाग में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हम कोई और विभाग में चले जाएं, लेकिन इसमें भी क्या है संयम, मतलब शुरू शुरू में आपको बहुत दिक्कत महसूस होगा, लेकिन जब बिता दीजिएगा 6-7 महीना 1 साल तब आपको यही अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि यह जो जॉब है एक मतलब लीजिए घर जैसा जॉब है, जैसे कि घर में ना बैठे हुए हैं और कोई काम पड़ गया, गार्जियन बोला दे कि यहाँ जाओ तो काम करके आइए, उसी तरह इसमें भी आप बैठे हैं, अब आदेश होगा कि यहाँ चलना है तो चलिए यहाँ पर आके फिर बैठे रहिए। ऐसा फिक्स इसका टाइमिंग नहीं है कि इतना बजे से इतना बजे तक आपका जॉब है, मतलब ये बिहार पुलिस का जॉब 24 घंटा का होता है। आप 24 घंटा बैठे भी रह सकते हैं सोए, मैं 2-3 दिन तक या 2-3 दिन तक आपको ड्यूटी भी करना पड़ जाता है। अब निर्भर करता है समय कैसा है, माहौल कैसा है उस समय का, जब पर्व त्यौहार पड़ता है या फिर कोई फेस्टिवल पड़ता है उस समय ड्यूटी कुछ ज़्यादा ही लग जाता है तो करना पड़ता है। उसी तरह तो घर में भी उसी तरह ना है, जब सीज़न पड़ जाएगा मतलब खेती करने का या फिर कोई शादी ब्याह पड़ गया तो उस समय क्या होता है हमेशा हम लोगों को करना पड़ता है काम, और नहीं काम है तो बैठे ही रहना है, उसी तरह से है। और ये बात है कि बिहार में हर जिला का अलग अलग माहौल है, उस माहौल के अनुसार उस जिला के पुलिसकर्मी को भी उसी तरह का कार्य मतलब ड्यूटी भी मिलेगा। जहाँ जिस तरह का माहौल बने रहेगा
और मान लीजिए कोई मुस्लिम एरिया वाला है तो, और वहाँ पर फेस्टिवल होगा तो वहाँ ज़्यादा तैनाती किया जाएगा, मतलब तो जहाँ भीड़ भड़ाका या फिर जहाँ जो मतलब पब्लिक प्लेस पर जो किस प्रकार का हंगामा ना खड़ा हो, और होने से पहले ही सचेत आप रहिए, पुलिस उसके लिए तैयारी किया जाता है, फिर भी होने वाला होता है तो हो ही जाता है, लेकिन बिहार पुलिस का पूरा कोशिश रहता है कि कांड होने से पहले ही हम उसे निपटा दें, और बहुत सफलता भी मिलती है, बहुत सारे इन कार्यों में सफल भी हम लोग होते हैं, लेकिन कुछ कुछ में हो जाता है। अभी तक तो मैं जब से ज्वाइन किया हूँ तब से तो ऐसा कुछ ना हुआ है, अच्छा से चल रहा है, और भगवान से दुआ है कि ऐसे ही अच्छा से चले, सबके लिए अच्छा रहेगा। और मैं क्या बोलूँ, आप लोग वन के करा दीजिए जल्दी से जल्दी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।